आप सब आज की इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक टेक्निक सिखाऊंगा। अगर आपका ओपोनेंट अचानक से अगर इस तरह पकड़ ले पूरा पावर से, तो आप अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे। दोस्तों अगर इस मजबूत पकड़ से आप निकलने का कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। देखिए जैसे कि मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूं निकलने का, तो भाई हो नहीं पाएगा क्योंकि आपका दोनों हैंड लॉक है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टेक्निक सिखाने वाला हूं। छोड़िए तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे, बीच में स्किप ना करें, नहीं तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले मैं आपको फास्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्लो करके दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरह आपको करना है। तो चलिए पहले आप फास्ट देखिए, जैसे इस तरह पकड़ ले तो करना क्या है आपको, इस तरह पकड़ना है, उसके बाद पूरा पावर से अटैक करना है फेस पंच। दोस्तों इसी टेक्निक को अब मैं आपको स्लो करके दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से सीख सकें, घर पर ही प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों बहुत सारे लोग कराटे क्लास नहीं जाते हैं सीखने के लिए, हमारे वीडियो को ही देखकर सीखते हैं, तो इसलिए मैं आपको सरल तरीके से सिखाता हूं ताकि आप वीडियो को देखकर ही घर पर सीख सके, आप अपने भाई या बहन के साथ। तो देखिए आपको करना क्या है, अब मैं आपको स्लो दिखा रहा हूं करके इसी टेक्निक को। अगर आपका ओपोनेंट अचानक से रोड फाइट के समय पकड़ लेता है आपको इसी प्रकार, तो आपको करना क्या है, इस हैंड से उनके हैंड को इस तरह पकड़ना है। देखिए इस तरह पकड़ने के बाद आपको पूरा पावर से इस तरह राउंड करना है, इस तरह। जैसे आप राउंड करेंगे तो इनका हैंड इस तरह रहेगा, आप इस तरह लाकर इस तरह पकड़कर पूरा पावर से ऊपर की ओर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरा पावर से अटैक करें फेस पंच। दोस्तों ये बेहतर रहेगा आपके लिए, फेस पंच अगर आप अटैक करेंगे तो आपका ओपोनेंट जल्दी घायल होगा और आप अपना सेल्फ डिफेंस करके वहां से निकल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अगर आपका ओपोनेंट हैंड नहीं छोड़ता है तो आप उस टाइम क्या करेंगे। दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है आपके साथ, मान लीजिए कि आप उतना एक्सपर्ट नहीं है तो आप अपने ओपोनेंट के हैंड को नहीं छुड़ा पाते, आप अगर फास्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों उनका हैंड नहीं छूट पाएगा, उस टाइम आपको क्या करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों अब मैं आपको दो ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप नहीं निकल पाएंगे। आपके भी माइंड में चलता होगा साहबुद्दीन भाई आज तक जो आप बता रहे हैं निकलने के लिए बताए, लेकिन आज ये आप क्या बता रहे हैं वीडियो के लास्ट में, नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग बताते हैं ये इसी पकड़ का दो टेक्निक इस टाइप से भी बताते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप देख लीजिए क्या नहीं करना है, इस तरह अगर आपको पकड़ता है तो आपको इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, जैसे कि दोनों हैंड को लाना है और इस तरह से करना है और निकालना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, देखिए आपका जो ओपोनेंट है, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं इस टाइप से, वो नॉर्मल से पकड़ कर रखते हैं और इस तरह से निकालते हैं और इस तरह निकाल लेते हैं हैंड को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा क्या है, इस तरह से नीचे आते हैं और लेग को पकड़कर उनका जो ओपोनेंट होता है वो भी पूरा झुक जाते हैं नीचे, गलती करते हैं, ये ऐसा होता नहीं रियल में। देखिए अगर मैं नीचे झुकता हूं तो जब तक कि मेरा ओपोनेंट भी पूरा नीचे नहीं जाएगा, पूरा नहीं बैठ जाएगा, तब तक मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा। देखिए मैं कोशिश करता हूं लेग पकड़ने का, ठीक है, नहीं हो पाएगा, कोई और पकड़ होता तो हो जाता, लेकिन ये पकड़ में नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर पकड़ कर रखे हैं इस तरह ना। देखिए मैं इस तरह से झूल भी सकता हूं, ठीक है, ऐसा पकड़ ही है। तो ये दो तरीका आप अप्लाई नहीं करें, ये भी सीखना आपके लिए जरूरी था। एक यही उपाय है इस पकड़ का, आप इस तरह पकड़े, पूरा पावर से इस तरह गिरा दे, नहीं अगर छोड़ रहा आपका ओपोनेंट तो फिर उसके ऊपर गिर जाए, भाई इतना तो आपको करना ही होगा, नहीं तो आप नहीं छुड़ा।